इन दिस 5 मिनट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि नीच भंग राजयोग कब बनता है। कई केसेस में हमें ये भी नहीं पता होता कि नीच ग्रह होते कौन से हैं, और कई केसेस में हमें ये पता होता है कि नीच भंग राजयोग होता क्या है, बट वो बनने के बावजूद आपकी कुंडली के अंदर इट इज़ नॉट गिविंग 100% रिजल्ट्स। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि नीच के ग्रह होते कौन से हैं, उच्च के ग्रह होते कौन से हैं। सेकंड वी विल नो कि नीच भंग कब होता है। तीसरी चीज कि नीच भंग राजयोग कब बन सकता है। और फोर्थ चीज कि नीच भंग राजयोग चेक करने के लिए हम प्लैनेट्स की पावर कैसे चेक करेंगे कि जौन सा प्लैनेट नीच भंग राजयोग में है क्या उसकी पावर है भी कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाए। दीज फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्रिडिक्टिंग कि नीच भंग राजयोग बन रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा। तो चलिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि नीच के ग्रह होते क्या है। देखिए नीच के ग्रह वो होते हैं आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स, वो होते हैं जो आपको आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट्स नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए आए हैं। सो नीच के ग्रह स्पेसिफिक पोजीशंस में ही होते हैं, स्पेसिफिक राशिज में ही होते हैं। फॉर एग्जांपल सूर्य 7 नंबर राशि में नीच का माना जाता है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें जो लाल वाले ग्रह हैं वो नीच के हो गए, दैट मीन्स शनि यहाँ पे 1st नंबर में नीच का हो गया, केतु 2nd में नीच का हो गया, 3rd में भी नीच का हो गया, मंगल 4th में नीच का हो गया, शुक्र 6th में नीच का हो गया, सूर्य 7th में नीच का हो गया, इसी तरह चंद्र और राहु 8th में नीच के हो गए, राहु 9th में नीच का हो गया, इसी तरह से 10th में गुरु नीच का हो गया और 12th में बुध नीच का हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन लेट्स डिस्कस कि नीच भंग कब होता है। नीच भंग अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का हो रहा हो तो जो उस प्लैनेट ने आपको नीच के रिजल्ट्स देने थे, नेगेटिव रिजल्ट्स देने थे, वो नहीं दे पाता तो उसका भंग हो गया। दैट मीन्स आपने उसको इतना पावरफुल ही नहीं छोड़ा कि वो नीच के रिजल्ट्स दे पाए। और नीच भंग राजयोग तब होता है जब वही प्लैनेट जिसने नीच के रिजल्ट्स देने थे अब वो इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग गया है कि आप उच्च के प्लैनेट से भी 4-5 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया ये प्लैनेट। तो देखिए नीच भंग कब होगा कुंडली में, आइए ये इसकी कंडीशंस जानते हैं। तो पहली कंडीशन नीच भंग होने के लिए ये होती है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज ओवर हियर वी हैव नंबर 1 रिटन। अब 1 नंबर राशि में विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड नीच, इट इज शनि। तो सपोज करिए आपके यहां पे 1 नंबर में शनि प्लेस्ड हो गया 4th हाउस में। नाउ फर्स्ट कंडीशन नीच भंग की तब बनेगी जब इसका राशि लॉर्ड, विच मींस 1 नंबर का राशि लॉर्ड कौन होता है, मंगल, वो शनि के साथ ही कंजंक्ट हो जाए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हियर नाउ 7 नंबर विल फॉल। तो सपोज यहाँ पे सूर्य बैठे होते, सूर्य नीच के हो गए और इसके राशि लॉर्ड वीनस अगर सूर्य के साथ ही बैठ जाते तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ नीच भंग इन योर कुंडली। नाउ मूविंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन नीच भंग की कब बनेगी, जब जो ग्रह नीच का हो रहा है उस पे उस राशि का लॉर्ड दृष्टि डाल रहा हो। हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया कि राशि का लॉर्ड उसके साथ ही बैठ जाए, नाउ वी विल डिस्कस कि दृष्टि कैसे डालेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। लेट्स सपोज नाउ ओवर हियर वी हैव 12 नंबर राशि, पाइसिस पड़ रही है और यहां पे मरकरी बैठ गया। नाउ मरकरी 12 नंबर में नीच का माना जाता है। अब इस 12 नंबर का जो राशि का लॉर्ड है दैट इज जुपिटर। सो लेट सपोज जुपिटर इसके कंप्लीटली ऑपोजिट बैठ जाए गिविंग इट्स 7th एस्पेक्ट और यहां बैठ जाए 11th में गिविंग इट्स 9th एस्पेक्ट या फिर यहां बैठ जाए गिविंग इट्स 5th एस्पेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, गुरु ने किसी भी तरीके से अपनी राशि को अगर देख लिया जहां पे मरकरी का नीच स्थिति थी तो मरकरी का यहां पे बुध का नीच भंग हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं कि तीसरा केस जिस केस में नीच भंग हो सकता है किसी ग्रह का,
आपकी कुंडली के अंदर वो कब होता है, देखिए जब जो ग्रह नीच का है वो थर्ड में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में बैठने डायरेक्टली। इन चारों घरों में कोई भी नीच का ग्रह बैठेगा उसके नीच भंग होने के चांसेस बन जाते हैं। अब फोर्थ कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीन कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चौथी कंडीशन जब आपकी कुंडली में नीच भंग हो सकता है किसी ग्रह का। देखिए ध्यान से, सपोज करिए ओवर हेड थ्री नंबर राशि इस बॉडी, नौ तीन नंबर राशि में केतु नीच का माना जाता है, तो तीन नंबर राशि का लॉर्ड ऑन है बुध, तो अगर बुध 1, 4, 7 या 10 में बैठ जाए यानी कि केंद्रास में बैठ गया, जो प्लैनेट नीच का है उसका जो राशि का लॉर्ड है दैट सिट्स इन दिस 1, 4, 7 एंड 10 केंद्रास, इस केस में भी नीच भंग माना जाएगा। पांचवी कंडीशन अब डिस्कस करते हैं, देखिए नेक्स्ट कंडीशन जब नीच भंग हो सकता है आपके कुंडली के अंदर किसी प्लैनेट की, वो कब होता है, देखिए जब जो ग्रह नीच का है, फॉर एग्जांपल यहां पे सूर्य 7 नंबर में बैठा होता, दैट मींस सूर्य यानी कि सन अभी नीच का हो गया आपकी कुंडली में, 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो प्लैनेट नीच का है उसका जो राशिपति है दैट मींस वीनस जिस राशि में उच्च का होता है, वीनस किस राशि में उच्च का होता है, 12 नंबर राशि में, तो सपोज करिए वीनस यहां बैठ जाए राइट, तो अब यहां पे तो नीच भंग नहीं हुआ बट वीनस कहां पे एग्जॉर्टेड होता है, 12 नंबर में, और 12 नंबर का लॉर्ड कौन होता है, गुरु, अगर गुरु केंद्रास में बैठ जाए, समझे आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो प्लैनेट नीच का है उस प्लैनेट की जो राशि पड़ रही है जहां पे वो नीच का है उसका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड जहां पे एग्जॉल्टेड होता है उस एग्जॉल्टेड पोजीशन का राशिपति अगर 1, 4, 7 या 10 में आ जाए, दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ नीच भंग। आप सिक्स्थ कंडीशन डिस्कस करते हैं, छठी कंडीशन जब नीच भंग किसी भी ग्रह का आपकी कुंडली में हो सकता है वो ये होती है, अगर वो नीच भंग किसी राशि में हो रहा है और उस राशि में ही कोई और प्लैनेट जो उच्च का होता है वो उसके साथ कंजंक्ट होके बैठा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, सपोज करिए नाउ मंगल इज प्लेस्ड हियर इन 4 नंबर, नीच का मंगल आ गया, अब अगर इसी मंगल के साथ जुपिटर भी बैठ जाता विच इज नाउ एग्जॉल्टेड इन दिस 4 नंबर राशि, इन दिस केस ऑल्सो इस मंगल के नीच भंग होने के चांसेस बन जाते हैं। अब हम 7th कंडीशन डिस्कस करेंगे, लास्ट कंडीशन, व्हेन नीच भंग कैन एक्चुअली हैपन इन योर कुंडली। देखिए नीच भंग एक और तरीके से हो सकता है, जब जो ग्रह नीच में बैठा है उसके साथ सूर्य क्लोज कंजंक्शन में हो जाए और वो प्लैनेट वो ग्रह कंबस्ट ही हो जाए। फॉर एग्जांपल यहीं पे इसी एग्जांपल को अगर देखें तो मंगल वॉज प्लेस्ड हियर इन 4 नंबर, अगर इसी मंगल के साथ सूर्य बैठ जाता और डिग्री दोनों के बीच में कम ही होती, 1 डिग्री आ गया तो ये कंबस्ट हो गया, तो इस केस में भी ये मार्स क्योंकि नीच के रिजल्ट्स देने आया था बट कंबस्ट हो गया, पावर बहुत कम हो गई तो इतने नीच के रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा, तो हम इसको नीच भंग मानेंगे। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड दीज 7 पोजीशंस जिसमें नीच भंग हो रहा हो, बट अब हम डिस्कस करेंगे नीच भंग राजयोग कब बनता है। देखिए नीच भंग का मतलब ये नहीं कि राजयोग भी बन गया, नीच भंग राजयोग तभी बनेगा जब फर्स्ट, फिफ्थ या 9th लॉर्ड का नीच भंग हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए यहां पे 5 नंबर है तो 5th लॉर्ड हो गया सूर्य, इस केस में सूर्य कहीं पे बैठा हो डेबिलिटेटेड स्थिति में और इसका नीच भंग हो जाए किसी भी तरीके से, शनि देख रहा हो, शनि साथ में बैठ जाए किसी भी तरीके से जो हमने डिस्कस किया, ओनली इन दिस केस दिस विल बी कॉल्ड आर राजयोग। तो नीच भंग और नीच भंग राजयोग में ये डिफरेंस है। अब जिस ग्रह का नीच भंग राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में वो कब एक्टिवेट होगा, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है। देखिए जब उस ग्रह की जिसका नीच भंग राजयोग हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे सूर्य का नीच भंग राजयोग हो रहा था, जब सूर्य की दशा आएगी या अंतर दशा में आएगा सूर्य, ओनली एट दैट टाइम दिस नीच भंग राजयोग विल गेट एक्टिवेटेड। बहुत से एक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं जिनका नीच भंग राजयोग बनता है,
जब एक्टिवेट होता है दे रीच द मैक्सिमम हाइट इन देयर कैरियर. सो सिमिलरली जब ये नीच भंग राजो एक्टिवेट होगा एट दैट टाइम यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स. नाउ वी विल डिस्कस कि आपने कंफर्मेशन कैसे लेनी है कि नीच भंग राजयोग बन भी रहा है कि नहीं. देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बार बनती है कि नीच भंग राजयोग बन रहा है फिर भी जो वो ग्रह है वो आपको तंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करिए फिर से यहीं पे सूर्य बैठा हो और 7 नंबर में नीच का होके बैठा है और इसको शनि देख भी रहा है. दैट मीन्स और 5 नंबर का ये लॉर्ड भी है. दैट मीन्स नीच भंग राजयोग तो बन रहा है. अब ये नीच भंग राजयोग की कंफर्मेशन कैसे लेंगे. देखिए वो डिग्री से लेंगे. सपोज करिए ये सूर्य नाउ इज 12 डिग्रीज एंड दिस शनि इज 17 डिग्रीज. दिस मीन्स ये शनि ज्यादा स्ट्रांग हो गया इस केस में. तो दिस शनि इज केपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ सूर्य. ओनली इन दिस केस नीच भंग राजयोग विल बी फॉर्म्ड. अदरवाइज एक और सिनेरियो लेते हैं. अब देखिए नीच भंग राजयोग कब नहीं फॉर्म होगा. सपोज करिए इसी सिनेरियो में नाउ सूर्य इज 12 डिग्रीज एंड ये शनि अब सिर्फ 5 डिग्री हो जाता है. यानी कि अभी बाल्य अवस्था में है, छोटा शनि है. तो इन दिस केस ये शनि ऑल्दो नीच भंग राजयोग की पोजिशन बन रही है स्टिल दिस शनि इज नॉट केपेबल ऑफ एक्चुअली अंडरमाइनिंग द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ सूर्य. तो नीच भंग राजयोग काम ही नहीं करेगा. इस केस में क्या सोल्यूशन होता है कि आपने इस शनि को स्ट्रॉन्ग करना है तो देन यू शुड वेयर दिस ब्लू सफायर. यू अंडरस्टैंड. देखिए अब थोड़ा सा आप डिग्रीज का भी कंसेप्ट समझिए. जो ग्रह 17 से 18 डिग्रीज में होगा 17 टू 18 डिग्रीज इन योर चार्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल ग्रह इन योर कुंडली. 17 ईयर से पहले बाल्य अवस्था मानी जाती है. यानी कि 1 डिग्री से स्टार्ट होके अभी यंग है प्लैनेट है ना. 17, 18 पे वो एक्सट्रीम अपनी अच्छी एज पाएगा जो यो ह्यूमन एज में यू कैन से 30-32 ईयर जब सबसे ज़्यादा एक्टिव है बंदा. इसी तरह से जब 18 से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 20, 25, 28 इस ओल्ड एज मानी जाती है प्लैनेट की. इस केस में भी प्लैनेट इज वेरी वीक. सो डिग्रीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. जो इसके अराउंड 17, 18, 16, 15, 19 इस डिग्रीज में जो ग्रह हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह माने जाते हैं. तो नीच भंग राजयोग होने के लिए जो प्लैनेट नीच भंग कर रहा है वो अच्छी डिग्रीज में होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. अब हम दो एग्जांपल और लेंगे जिससे आपको कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गुरु. अब गुरु का हम इस एग्जांपल में नीच भंग राजयोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सारी कंडीशंस होने के बावजूद क्यों गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा इस केस में. देखिए सपोज करिए नाउ जुपिटर इज सिटिंग इन दिस 10 नंबर एंड ऑल्सो इन द 10th हाउस. दैट मीन्स बिल्कुल नीच का जुपिटर हो गया. अब हम ये देखते हैं कि अगर इसका राशिपति शनि सपोज करिए फर्स्ट हाउस में बैठ गया सिटिंग इन द केंद्रास्थ तो नीच भंग राजयोग की कंडीशन पूरी होती है. बिकॉज नाउ दिस जुपिटर इज ऑल्सो रूलिंग योर 9th हाउस ऑफ लक. तो फर्स्ट 5th या 9th में से हमने डिस्कस किया था अगर रूल कर रहा हो तो नीच भंग राजयोग बन सकता है. नाउ दिस जुपिटर लेट से इज इन 10 डिग्रीज एंड दिस शनि इज लेट से 7 डिग्रीज. सो क्योंकि शनि ने गुरु का नीच भंग करना था एंड शनि इज वीकर देन जुपिटर इस केस में नीच भंग राजयोग नहीं बन पाएगा. टू मेक दिस नीच भंग राजयोग हैपन यू हैव टू मेक शनि स्ट्रॉन्गर. यू हैव टू वेयर अ ब्लू सफायर. You understand? अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सूर्य इटसेल्फ. अब देखिए सपोज करिए सूर्य इज प्लेस्ड हियर इन 7 नंबर राशि. दिस मीन्स इट बिकम्स डेबिलिटेटेड. नीच का हो गया सूर्य. अब शुक्र सपोज करिए यहां बैठ जाता तो शुक्र वॉज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग नीच भंग राजयोग फॉर दिस सूर्य. अब सपोज करते हैं इस सूर्य की डिग्रीज जो है दैट इज 17 डिग्रीज एंड वीनस इज 28 डिग्रीज. अब हुआ क्या दिस सूर्य इज इन द स्ट्रॉन्गर पोजिशन क्योंकि 16, 17, 18 डिग्रीज में प्लैनेट सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं. यंग प्लैनेट्स हैं, सबसे ज्यादा पावर है. और वीनस ऑन द अदर हैंड ओल्ड एज में है. ओल्ड एज में आ गया वीनस तो नीच भंग राजयोग कर ही नहीं पाएगा.
What you should do, wear a white sapphire ताकि वीनस नीच भंग राजयोग कर पाए, वीनस की स्थिति और मजबूत हो. फॉर गेटिंग द बेस्ट ब्लू व्हाइट येलो सफायर्स गो टू माई वेबसाइट astroindia.com. आपको बेस्ट क्वालिटी ब्लू सफायर्स, येलो सफायर्स एंड इवन व्हाइट सफायर्स मिलेंगे. ब्लू सफायर्स आई ऑल्सो हैव द कलेक्शन फ्रॉम कश्मीर जो कि बहुत रेयर कलेक्शन मानी जाती है. अगर आप कोई जेमस्टोन लेंगे ना उसमें जरूर चेक करें दैट जेमस्टोन शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट. लाइट शुड पास थ्रू इट टोटली और बहुत क्लियर कटिंग होनी चाहिए एंड कोई ग्लास फिटिंग नहीं होनी चाहिए. Gemstones will only work when there is no glass filling, there is no heat treatment and there is no other type of treatments as well. Agar ye sab kuch hoga aur transparency bhi hogi, only then gemstones will work. Best quality gemstones astroindia.com pe mil sakte hain. And I hope aapko is video mein neech bhang rajyog ki exact clarity hui hogi. Dekhiye bahut sari videos hain YouTube pe jo neech bhang rajyog ke bare mein baat karte hain. They are not telling the exact picture. नीच भंग अलग चीज है, नीच भंग राजयोग अलग चीज है और नीच भंग राजयोग की कंफर्मेशन के लिए यू हैव टू सी द पावर ऑफ द प्लैनेट्स थ्रू डिग्रीज जैसे हमने डिस्कस किया. सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि नीच भंग राजयोग होता क्या है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. धन्यवाद.